अब मैं विषय स्वागत एवं विषय प्रवर्तन के लिए प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से निवेदन करता हूँ, आप आवे स्वागत एवं विषय प्रवर्तन करें। कालंकरंतो अति दुःखकराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्तस्य। इससे अनाथ पिंडक सभागार में हमारे जितने भी विद्वत जन उपस्थित हैं उनको मैं नमन करता हूं। नमन करने के क्रम में बुद्ध को मैंने नमन किया, धम्म और संघ को नमन करता हूँ और सबसे जो यह कार्यक्रम हो रहा है, जिनके निमित्त हो रहा है, जिनकी पुण्यतिथि में हो रहा है, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे महापुरुष महामानव प्रोफेसर आचार्य पद्मश्री प्रोफेसर राम शंकर त्रिपाठी जी को नमन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। स्वागत भाषण है और विषय का उपस्थापन भी है, तो मैं पहले विषय का उपस्थापन थोड़ा करना चाहता हूँ। पूर्व वक्ता जो मंच संचालन कर रहे थे अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने कुछ प्रकाश डाला कि जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में करुणा यह विषय रखा गया है, क्योंकि हमारे जो त्रिपाठी गुरु जी थे वे भी करुणा के प्रतिमूर्ति थे, या यह कहें कि भगवान बुद्ध और उनके धम्म का जो मूल स्रोत है करुणा, उसके वे संवाहक रहे हैं। करुणा ही भगवान बुद्ध की जो मूल में जो उनका उपदेश रहा है भगवान बुद्ध का, वह करुणा रहा है। अभी जो हमने जो मंगलाचरण किया था उसके अंत में जो आया था नमो महाकारुणिकस्य तस्य, ऐसे महाकरुणा के जो प्रतीक महाकारुण भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं। और आज जो भी या पूर्व में भी जो रचनाएं होती रही उसके कुछ मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि उसमें करुणा को ही उन्होंने करके मंगलाचरण किया है, तो बुद्ध का हमें लगता है कि मूल जो उनका मूल रूप से जो वो चाहते थे उसके बीच में मध्य में करुणा रही है। जैसे दीघ निकाय अटकथा के हो सुमंगल विलासनी इसको कहते हैं, उसके भी मंगलाचरण में कहा गया करुणा शीतल हृदयंग पैया पज्योत विहित महात्मम सनरामर लोक गरुण वंदे सुगतंग गति गुमतंग। बिना करुणा के मुक्ति संभव नहीं है, और बिना करुणा के हम जो आज जो परिदृश्य में जो दिख रहा है वह करुणा के अभाव के कारण ही है। इसलिए बुद्ध ने करुणा पर ही बल दिया और आगे के लोगों ने भी, आगे के विद्वानों ने भी, आगे के भिक्षुओं ने भी, संतों ने भी, उन लोगों का भी प्रयास रहा
कि करुणा को मूल में रहकर उपदेश किया जाए और करुणा के भाव को जनमानस में फैलाया जाए। अब बहुत सारे हमने कुछ नोट किया था, करुणा कहें कि कहां कहां करुणा काया है, तो मूल में जो करुणा हम कहते किसको हैं, थोड़ा हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय का भी अभाव है, बहुत सारे हमारे वक्ता हैं। करुणा का जो सामान्य अर्थ हम लोग कहते हैं वो दया है, लेकिन वो करुणा दया नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को देखा, गरीब को देखा, दुखी को देखा, देख करके मन में भाव अगर जगता है कि उसका कल्याण हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, अगर वह केवल मन तक रहता है तब तक तो वह दया है, लेकिन वह वाणी और काय पर भी प्रकट होने लगता है तो उसे हम करुणा कहते हैं। अगर कोई भूखा है, अगर भूखा है तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बड़ा दुखी है, भूखा है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह मात्र दया मात्र हो सकता है, उसके प्रति हम द्रवित हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 50-100 रुपए हैं और अगर हम उसे खिला देते हैं, अगर हम उसको दे देते हैं, उसके दुख को दूर कर देते हैं, तब वह करुणा है। करुणा जो है दया का एकदम अंतिम रूप है, यानी वो जब उसमें समा जाना। करुणा का अर्थ है कि उसका दुख हमारा दुख हो, जब यह भाव जगता है तब उसे हम करुणा कहते हैं। पर दुखे सती साधुनं हृदय कंपनं करोति ती करुणा, ऐसा विशुद्धि मग में कहा गया है कि जब हृदय का कंपन होने लगता है दूसरे के दुख को देखकर, तब वो करुणा जो है वहां पर करता है। करुणा यानी उसका दुख हमारा दुख है, जब ये भाव जगेगा तभी हम उसे हम करुणा कहेंगे। ऐसे करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध थे, और देखें कि जब उन्होंने देखा कि यह लोक जो है दुख से घिरा हुआ है, दुख से आक्रांत है, दुख से परेशान है, तब तो उन्होंने जो है लोक कल्याण के लिए अपना उपदेश देना शुरू किया। तो उपदेश देने का मूल उद्देश्य यह था कि जिसके कारण हम दुखी हैं और दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं, तो वह कारण लोगों को पता चले और हम न स्वयं दुखी हों और न दूसरे को दुखी करें। ये भाव था भगवान बुद्ध का। तो बुद्ध ने केवल जैसे कहे ना, सो धम्मं देशेति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अनुकंपा अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, इस भावना से, करुणा से अभिभूत होकर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और वो उपदेश जो है केवल ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया, वह उसके दिल को छुए, क्योंकि बुद्ध का जो उपदेश है वो आचरण प्रधान है। जब तक वह उपदेश उसके दिल को नहीं छुएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, वो आचरण नहीं करेगा तो उसका कल्याण ही नहीं होगा। इसलिए उसने माध्यम भी छुड़ा, आम जनता की बोली को आम जनता में फैलाओ, आम जनता उस बात को जाने और समझे, तब उसका कल्याण होगा और तब वह जो है जीवन को आचरण में उतारेगा इसको, और उसका कल्याण होगा। अब जो कारण है बुद्ध ने तो ही कारण बताया, राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही हम सारा प्रपंच करते हैं। ये जो विश्व में जो भी यूक्रेन का देखें, रसा का जो युद्ध हो रहा है, हम तो देख ही रहे हैं। अब पूरा विश्व जो है परेशान है, हर व्यक्ति भी परेशान है, हर परिवार परेशान है। उसका मूल कारण है राग द्वेष है। हम अपने से राग कर रहे हैं, दूसरे को द्वेष कर रहे हैं, हम अपने को ऊंचा समझ रहे हैं, दूसरे को नीचा समझ रहे हैं। जब तक कि हम समान भाव नहीं रखेंगे, जब तक कि हम यह नहीं समझेंगे कि वह भी हम है, हम एकाकार हो जाए, वसुदेव कुटुंबकम यही है कि हम जो है पूरा वसुधा को जो है एक पृथ्वी में एक कुटुंब बन जाए। हम जैसे हमारा बच्चा जो है परेशान होता है तो हम परेशान हो जाए, तो इस जगत के जितने भी चाहे वो जीव जंतु हैं,
केवल मनुष्य मात्र तक ही नहीं, सभ्य सत्ता भवंतु सुख तत्ता, हर प्राणी का मंगल हो, हर प्राणी का सुख हो, यानी हर प्राणी जो है हम में समाहित है, जब यह भाव जगेगा वही सही अर्थों में करना है। ऐसी करुणा के जगाने के लिए ही भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद घूम घूम कर अपना उपदेश देते रहे, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का मंगल हो सके। अब स्वागत भाषण का क्रम है, तो स्वागत भाषण के क्रम में हम इस संस्थान के माननीय कुलपति बड़े ही अब एकदम बिल्कुल संत जिनको कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल ही जब सरल सहृदय, जब भी हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जब भी हमने निमंत्रण दिया और आपने सहृदय आपने उसे स्वीकार करते हैं, और हम इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, आप अंदर से जो बुद्धि का जो करुणा अगर कहा जाए तो आप में समाहित है, ऐसे हम जैसे प्रोफेसर नवांग सामदेन जी को आपके ही घर में आपको हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी आप राष्ट्रपति सम्मानित हैं, पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के आपूर्व विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके अनेकों ग्रंथ हैं, आप अगर कहा जाए हिंदुस्तान में अभी पाली में जो बोलने वाले लिखने वाले का अगर वो क्रम है वो अभी आप जारी रखे हुए हैं, ऐसे गुरुदेव ऐसे हमारे आचार्य प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी को हम इनका भाषण भी सुनेंगे, हम इसे अनाथ पिंड के सभागार में पाकर हम बहुत प्रफुल्लित हैं, आपका विशेष स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हिमांशु पांडे जी हैं, कुल सचिव हैं, आपका ही सर कार्यक्रम है, आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी आए हुए हैं, आपको अभी अभी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है, आपको 101,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा, अभी घोषणा की गई है, आप कई पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, आप निस्वार्थ जो है वह सेवा कर रहे हैं, सुबह सुबह अपने संस्कृत भवनों में ही उन्होंने रखा है अपने घर का नाम, और आपने सुबह 8 से 9 प्रतिदिन आप बच्चे निःशुल्क आते हैं और संस्कृत का संभाषण वो सीख रहे हैं, संभाषण का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के आप आचार्य हैं, पुरुषंगायाध्यक्ष हैं, ऐसे हम अधिकारी जी को स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं, आपके साथ आपके पुत्र भी आए हैं, कोई महाविद्यालय में अध्यापक हैं, आप उनकी पत्नी भी आई हैं, तो भाभी जी और बेटा को भी हम इसमें स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी जाना पहचाना नाम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, आपके विषय में कुछ भी कहना कम ही है, आप पाली और बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, फिलहाल आपने एक भेषज मंजूषा का संपादन किया है, वह मेडिकल साइंस इन बुद्धिज्म उसके कॉन्सेप्ट उस किताब को जैसा कहता है कि पाली में क्या है या प्राचीन ग्रंथों में क्या है, उसमें मेडिकल साइंस क्या है, तो उसका जो है उसका आपने संपादन किया है, बहुत अच्छी किताब है, अभी अभी ऊपर वो पुस्तक पुरस्कृत भी है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से, आप भी बहुत सरल सहृदय और विद्वान हैं, आपका भी वक्तव्य होगा, ऐसे हम अगर प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी को इस सभागार में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रोफेसर लालजी श्रावक जी अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान संप्रति आप आचार्य हैं, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत चाइनीज सबके पाली के आप विद्वान हैं,
पुस्तकों का कहा या ये कहें कि पत्रिकाओं का आप संपादक भी हैं, ऐसे हम लालजी श्रावक जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। इस क्रम में मैं प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी, आप यही संस्थान में अनुदान अनुवाद विभाग के अध्यक्ष हैं, फिलहाल आप पब्लिकेशन डिवीजन के इंचार्ज भी हैं। आपके कई लेख जो हैं हमारी पत्रिका में निकलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी भी हमने इनका लेख लिया है, सर्व विद्या संकाय पत्रिका में निकल रहा है। बहुत अच्छे विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों सब का हम लोग आज भाषण सुनेंगे। आपका भी सर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। माता जी हैं, माता जी का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पाली पाली विभाग के ही इसी संस्थान के जो आचार्य हैं अनिमेश प्रकाश जी, आप भी बहुत युवा विद्वान हैं और बहुत काम में तल्लीन लगे रहते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। वांछित दौरे नेगी जी हैं, हेतु एवं अध्यात्म विद्या संकाय के संकायाध्यक्ष हैं। आप केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान लेह लद्दाख के आप पहले तो निदेशक था, निदेशक रह चुके हैं। आप एक धमपद निकला है, बहुत पहले वही लेह लद्दाख में था, उसी समय धमपद निकला था, बहुत बढ़िया है। उसका जो है पूरे कथाओं के साथ उसका वर्णन है। दोरजी नेगी जी का भी हम भाषण सुनेंगे, वक्ता में वो भी, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। धर्मदत्त चतुर्वेदी जी नहीं दिख रहे हैं, तो वो भी संस्कृत विद्या संस्कृत विभाग यहाँ पर हैं और वक्ता में तो नाम है। अगर उनका भी हम अगर वो आएंगे तो जहाँ कहीं भी हो उनका भी स्वागत करते हैं। और कई संस्थाओं के यहाँ पर आए हैं, एक सारनाथ निगमा इंस्टीट्यूट है, सुमन सिनी सिनी के भी भिक्षु लोग आए हैं, उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कई लोग जो भिक्षु संघ हैं और लोग जिन लोग हैं, पुरुषोत्तम सुधार सिंह जी हैं, हिंदी के आप कहना ही नहीं है, बनारस के ये कहें कि ये ताज हैं हमारे लिए, ये बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि राम सुधार जी हमारे सामने हैं और उनकी हम वाणी हम सुनेंगे। आप यूजी की कॉलेज में आप अध्यापन कर चुके हैं, वो कई ग्रंथ इनके हैं, कई ग्रंथ आप बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, तो आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। दीपंकर त्रिपाठी जी हैं, दीपंकर त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। रवि रंजन हैं और अनुराग त्रिपाठी जी है जो संचालन की है, और जिन लोग छूट गए हैं इस सभा में जितने भी उपस्थित हैं उन सबों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं।